हफ्ता आपने कहा था कि मैं एक्टर अच्छा नहीं, मुझे एक्टिंग स्कूल भेज दिया गया और आपने मुझे दी अगले ऑडिशन की तारीख। दूसरे ऑडिशन के वक्त आपने कहा मैं थोड़ा मोटा, मुझे जिम भेज दिया गया और आपने मुझे फिर दिया अगले ऑडिशन की तारीख। तीसरे ऑडिशन के वक्त आपने कहा कि मेरी आवाज क्लियर नहीं, मुझे डिक्शन क्लास भेज दिया गया और आपने मुझे फिर दिया अगले ऑडिशन की तारीख। कल मैं ऑडिशन देने वाला था कि आपकी पत्नी का फोन आ गया जिसकी सिफारिश पर आपको आपके साले को रोल देना पड़ा और मुझे फिर ना दी गई एक तारीख। मुझे आज भी मालूम है इस ऑडिशन के बाद मुझे शॉर्टलिस्ट कर देंगे और जब फाइनल रोल की बात करने आऊंगा तो दे दी जाएगी एक तारीख। इन दो ऑडिशन के बीच प्रोड्यूसर और कास्टिंग वालों के चक्कर काटते काटते मैं अपने भूख से फटे हाथ से दम तोड़ दूंगा और खुद बन जाऊंगा एक तारीख। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख में तेरी मिलोट। लेकिन एक रोल नहीं मिला। प्रोड्यूसर और कास्टिंग वालों ने इन दो ऑडिशन के बीच हम स्ट्रगलिंग एक्टर के वक्त के साथ धंधा के मिला धंधा, जहां पे एक्टर बुलाए जाते, नचाए जाते, लड़ाए जाते हैं और रह जाती है तू सिर्फ एक तारीख। लोग अपना घर दुनिया सब छोड़कर ऑडिशन देते हैं और यहां कुछ नामी डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ऑनलाइन ऑडिशन के नाम पर हम एक्टर्स के इमोशन से खेलते हैं। हमारे पास फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है ना, हम किसी नामी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बेटे नहीं है। हमें विरासत में मिली है तो सिर्फ अगले ऑडिशन की तारीख। महीनों सालों स्टूडियोज के चक्कर काटते काटते खुद एक्टर बन जाते हैं तारीख। ये देश सब कमजोर और सताए हुए एक्टर्स का, आज उन सब की नजर आप पर गड़ी, सिर्फ आप पर। देखे उन्हें मिलता है क्या एक रोल या अगले ऑडिशन की तारीख। अगर आप उनको एक रोल नहीं दे सकते तो बंद कीजिए तमाशा, उखाड़ फेंकिए इन स्टूडियोज को, फाड़ दीजिए, जला दीजिए इस पिक्चर की स्क्रिप्ट को, ताकि ऑडिशन के चक्कर में और लोग तबाह ना हो, बर्बाद ना हो। ए सालो, क्या नाटक लगा है? चुपचाप बैठो, अंदर ऑडिशन चालू है। ये है संघर्ष नगर के चंद संघर्षशील नौजवान, अपने आप में किसी योद्धा से कम नहीं। जाने कितने दरवाजों पर दस्तक दे चुके हैं, जाने कितने दरवाजों पर दस्तक देना बाकी है। हाँ, मगर हिम्मत नहीं हारते हमारे ये महान योद्धा। एक मिनट भाई, आप भी खान और मैं भी खान,
और अगर खान खान का मदद नहीं करेगा तो वेल्स खान। और वैसे ऐसे चीजों के वजह से रोल मिलेंगे ना इंडस्ट्री में तो तू जैसे सालों की लाइन लग जाएगी साला खड़ा। तो क्या अब क्या होगा? मेरा तो पिताजी कोई मिनिस्टर मिनिस्टर भी नहीं है कि मुझे पूछ करके एक रोल दिला सके, ना बहन कोई फिल्म प्रोड्यूसर है कि चांस पे चांस देते रहे। कॉल देने का